अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज है मेरे पास डाउलंस कंपनी की फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसका मॉडल है जी 260 LVS प्लस, टच पैनल के साथ है। ये बड़ी ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा ऑपरेट कैसे करना है। तो ये इसका पावर का बटन है, साथ ही ये इसका स्टार्ट क्या है, प्रोग्रामिंग है, डिले स्टार्ट है, वाटर लेवल, स्पिन, ड्रेन्स वाटर। अगर आप मैनुअली भी इसको ऑपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सिंपल सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम ये, आप पावर ऑन करेंगे, प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे, यहाँ से आप प्रोग्राम अपनी मर्जी का सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के साथ ही ये टाइम, वाटर लेवल, ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ही सेट कर लेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं इसके ऊपर ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये इसका प्रोग्राम है। लाइक जैसे मैं इसको करता हूँ जी के ये सॉफ्ट पे आ जाता है, तो ये 25 मिनट्स, और ये वाटर लेवल सारा अपनी मर्जी से कर लेगी। अगर आप सारा ऑटो पे नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्जी से टाइम सेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसको इनलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जब इनलेट आपका लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वो पानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो साथ ही ये एक इसके अंदर है एडिशनल फंक्शन, क्या आपको पता है कि बच्चे आपकी सेटिंग ख़राब कर देंगे, तो सेम टाइम पे 3 सेकंड के लिए आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर सेम टाइम 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका जो पैनल है वो अनलॉक हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात और जो सबसे प्लस पॉइंट है इसका, इसका जो पैनल यूज़ हो रहा है ये टच पैनल है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल पैनल का ये होता है कि ये यूज़ करते करते वो पानी से, डस्ट से और हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो पैनल ख़राब हो जाता है, जिससे वो पैनल के अंदर एरर आना शुरू हो जाता है। तो ये टच पैनल का कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद थोड़ा इसका मैं आपको इनसाइड दिखाता हूँ, इसका डायमंड ड्रम यूज़ हो रहा है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। एम्ब्रॉयडरी केयर, कॉटन, वॉशन वेयर, जो भी फैब्रिक आप यूज़ करेंगे तो आपके फैब्रिक का बड़ा फ्रेंडली है। उसके बाद इसके अंदर उन्होंने फिल्टर भी लगा दिए हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिनसे रुई वगैरह उतरती है, वो कपड़ों के साथ लग जाती है दूसरों में, तो ये आपको उसमें भी सारा सेफ्टी देता है कि जो भी रुई वगैरह उतरेगी इसमें इकट्ठी होगी, उतार के आप इसको साफ करके दोबारा लगा दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है और ये 80% कपड़े को स्पिन करती है। ठीक है जी, 80% कपड़े को स्पिन करेगी, मतलब कि हल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा इसके अंदर, जिसके बाद आप उसको फ़ौरन निकालेंगे, हवा में रखेंगे, प्रेस कर लें तो ज़बरदस्त। मेरी एक वीडियो में एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इसके RPM कितने हैं, कोई भी टॉप लोड ले लें तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम 800 तक होती है, ठीक है, उसके 800 तक RPM होते हैं। और उन्होंने पूछा था जी कि डायरेक्ट ड्राइव मोटर, इनकी जो होता है वो कनेक्शन मोटर होती है, वो डायरेक्ट ड्राइव नहीं होती, वो बेल्ट पे चल रही होती है, ये चीज़ होती है, और ये पानी को गर्म नहीं करती। इसके अंदर इनलेट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप ठंडा पानी लगा लें या गर्म पानी सेलेक्ट कर लें, या आप अपनी मर्जी से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इस मॉडल का तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग इसका जो शट डाउन सिस्टम है वो भी बड़े ज़बरदस्त है। तो ये टोटल यूरोपियन स्टैंडर्ड की वॉशिंग मशीन है, ट्राई जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।